गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग भाई? माल तो भेज दिया कटोल में, 24 कट्टे टोटल। तो दो दलाल जी में डाले हैं माल, क्योंकि एक दलाल नहीं बेचता इतना माल। तो चलो जाते कटोल में, मिलते आपको कटोल में जाकर। में सर्दी सी लग रही है और पता नहीं बादल बादल भी है। दोस्तों काटोल से तो आ गए थे बाजार से और कांदा उछल रहे थे भाई। ये देखो इतना कांदा रह गया उछलने का। ये देखो बाकी का डिग लगा दिया हमने और टिम टिम बारिश चालू हो गई। तो अभी जाते 5-10 मिनट बैठते, देखते बारिश आती है कि नहीं। तो ये उछल ही रहते भाई कि बहुत हवा गराट बारिश चालू हो गई। ये देखो बादल, तो ऐसे गंजे झाँक लिए हमने। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं भाई। काम में मतलब ध्यान ही नहीं रहा व्लॉग बनाने का, क्योंकि आते समय लग गए थे, बहुत हवा गरज चल रहा था, इससे बड़ा पर उछल गया। ये देखो अभी इतना उछलना हो गया है। ये देखो कितना सारा माल उछल गया हमने। अब देखते बारिश अगर नहीं आती तो फिर और उछलेंगे, नहीं तो फिर तो जितना माल उछल गया उतना ही काफी। तो चलो बैठते 5-10 मिनट। तो दोस्तों अभी तो तप रही है धूप और बारिश चली गई, तो करते जमा माल। चलो दोस्तों इतनी गंजी जमा हो चुकी है और बहुत माल लाना है भाई, बहुत सारा। फिलहाल तो बादल तो चले गए, तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है। तो चलो करते हैं जल्दी जल्दी जमा, देखते और कितना टाइम लगता है तो जमा करने। तो दोस्तों इतना माल जमा कर फिर भी एक दो लाइन ही बचा है। देखो दिख रहा है क्या आपको? वो देखो एक दो लाइन ही बचा है, लेकिन अभी बहुत हवा गरज सूख गया है तो रिलैक्स। और वो थोड़ा सा गीला माल है तो कल हो जाए। तो जाते अभी पानी वगैरह पीते हैं। और भाई हवा वगैरह देखो यहाँ पर और बादल आ गए भाई, समझ नहीं आ रहा है उन्हाई चल रहा है कि पौधा है, बादल ही बादल आ रहे हैं। तो चलो पहले पानी वगैरह पीते भाई। बादलों का कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से भी बादल आते हैं यहाँ से भी, और हवा इतनी चल रही है, देखो पेड़ कैसा चल रहा है। और ये हमारा उसके नीचे कांदा, बहुत थक गए भाई इतना कांदा है। ये तीन दिन का कांदा है, अभी हो गया लगभग पूरा उतरना, उसके साथ बाकी रह गया। पता नहीं लोगों का खावा जा रहा है, रोए होंगे शायद या बंदर होंगे। बहुत थक गए भाई पूरा मार उतना। और ये देखो ये थोड़ा सा रह गया यहाँ पर, एक ही पादे, एक गीला माल था। आपको पता है ना एक दिन जब हम सुबह आए थे तब वो माल थोड़ा सा गीला था, तो इसलिए वो माल गीला है अभी। मतलब नीचे का वो थोड़ा सा गीला है, ऊपर का तो सूख गया था, तो मैंने पलटी कर ली पूरे का और रख दी। तो कल दोपहर तक वो पूरा सूख जाएगा, फिर कल दोपहर को वो उछल लेंगे। और वैसे तो अभी करने वाले थे स्टार्ट काटना, लेकिन अभी बहुत थक गए भाई, 5 मिनट रिलैक्स करते, देखते अगर अच्छा लगेगा तो काटते, नहीं तो फिर अरे करके फिर निकलना होगा घर के लिए। और ये हवा गराड भाई, इतना हवा गराड समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। आज तो भाई मार्केट में बहुत कांदा आया था, हमने कई दिन से बेच दिया वो कांदा, कल काटना पड़ेगा कांदा जाएगा एक मेन बाजार में, जलालगढ़ का बाजार रहता है ना, देखते हैं कितने कट्टे हो पाते, 30 कट्टे होते हैं 40 कट्टे होते हैं, कितने होंगे बेच देंगे। अभी हमने सोचा है कि जल्दी जल्दी भाई प्लॉट खड़ी कर देंगे, क्योंकि वो खेत का काम बचा है भाई। आज की 25 तारीख है अप्रैल और मई महीना लगने वाला है। मई महीने में तो रोटेटर चलने, मतलब रोटेटर चलाने होते हैं, खाद डालना होता है, कुटार वगैरह भर के रेडी होता है। लेकिन इस साल तो कोई कुछ प्ले मतलब हुआ नहीं, जल्दी जल्दी करना होगा इस साल, इसलिए भाई कांदे में थोड़ी सी हम ज़्यादा मेहनत कर रहे, दिन दिन भर खेत में रह रहे कांदा काटने के लिए। क्या करें भाई, इतनी मेहनत नहीं करे तो बहुत खर्चा होता है, बहुत बाया लगता है, इसलिए करनी पड़ती है इतनी मेहनत भाई। और बैठे थे 5-10 मिनट हो गए कि और बादल गरज रहे और हवा है, यहाँ से बहुत सारे बादल आ चुके हैं। देखो यहाँ से भी अब थोड़े थोड़े आ रहे हैं,
और यहाँ से भी बहुत सारे बादल आ गए भाई और गरज भी रहे, तो गंजे झाक झुक करते और निकलते घर के लिए। छोड़ो, कल सुबह आएंगे और सुबह से काटेंगे, देखते हैं कल कितना माल हो पाता है। और देखो भाई यहाँ से भी बादल आ गए भाई, चारों तरफ से बादल आ गए भाई। ऐसा लगता है आज तो बारिश नहीं आई, झाक झुक करते और निकलते हुए यहाँ से। चलो देखते हैं अगर कल बारिश आती है तो भाई ये जो कांदा रहेगा ना ये गीला हो जाएगा। ये तो हम झाक झुक करके चले जाएंगे लेकिन ये गीला हो जाएगा, कोई नहीं। लेकिन दिन में तो धूप ही रहती है, फिर सूख जाएगा यार। उस गारपीट की वजह से यार बहुत सारा कांदा खराब हो गया हमारा, क्योंकि जो गारा डायरेक्ट पड़ता है ना तो थोड़ा सा मार पड़ता है भाई कांदे, इसलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी उपड़ना चालू किया। अभी यही खत्म होने का है, वो तो पूरा कांदा बाकी है भाई, बहुत सारा कांदा है। ये खत्म होने के बाद वहां पर लगा देंगे 100 कट्टे, तो वो माल है ही। फटाफट पहले ये कम्प्लीट कर लेते फिर वो खत्म कर देंगे यार। समझ में आ रहा, हवा इतनी आ रही है यार, समझ नहीं आता यार। उन्हाए चल रहा है कि पावसाया चल रहा है, जब पेरनी का टाइम रहता है तब पक्का ये गायब हो जाएगा पानी। अभी तो रेगुलर आ रहा है लेकिन जब टाइम रहेगा ना तब पूरा गायब हो जाएगा, तब पानी नहीं आएगा। अब पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है भाई, अपने पड़ोसता खेती करना। आज के तो भाई मार्केट में आपको दिखा ही नहीं भाव भी नहीं, तो बस यार मतलब इधर उधर घूमने में हमारा पूरा टाइम चला गया था, इसलिए मार्केट का कुछ ज्यादा दिखा नहीं पाया। क्योंकि दो जगह पर माल डाला था हमने, तो इधर उधर ही घूमना था, ये बिका ऐसा करना था। भाई सांभर देखो, इतने मतलब गर्मी में लोग सांभर उगा रहे तो कितने रुपए किलो होना चाहिए, 50-60 रुपए तो किलो होना चाहिए ना, 10 रुपए किलो सांभर। और भाई टमाटर के भाव तो बिल्कुल ही नहीं बढ़े भाई, इतने बंदे कैरेट 70 और 80 रुपए में कैरेट मांग रहे थे भाई, क्या परोड़ेगा भाई उस किसान को, आप ही सोचो। बेकार हाल है भाई किसानों के, खेती करना नहीं परोड़ता, कितने सारे पैसे खाद वाले को देने पड़ते, दुकानदार को देने पड़ते, कितने सारे मतलब कितना खर्चा होता है भाई खेती में, आप ही सोचो। और इतनी मेहनत करते हम, वो लोग तो जो व्यापारी लेते हमसे माल वो तो आराम से कमाते भाई, उनका बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता मेरे मतलब अगले साल मेरे बस की खेती, हम तो नहीं करने वाले। देखते पापा को जो लगाएंगे उनको लगा देंगे, मतलब जो भी लगाना चाहे उनको लगाने देंगे, हम तो नहीं बीच में पड़ने वाले कि पापा को बोलेंगे कि ये लगाओ वो लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ, दूसरा कुछ देखेंगे भाई। आप ही सोचो ना भाई, इतनी मेहनत करके क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, इससे अच्छा न करे मेहनत तो अच्छा है। दूसरे काम पर जाए तो 350-400 रुपये ये नहीं करो। तो दोस्तों ऐसे झकझुक कर दिए पूरी गंजी हमने, देखो। और भाई बहुत हवा गराट चल रहा है अभी भी, तो अब निकलते घर के लिए। ये देखो पूरी जगह से झकझुक कर रही, और ये देखो कितना बादल, काला काला बादल आ चुका है। तो अब निकलते भाई घर के लिए, रात को भी आना पड़ेगा चक्कर डालने के लिए। तो अभी बहुत थक गए तो इस ब्लॉग को ही एंड कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बहुत सारे भाई दोस्त लोग बोलते हैं क्या हर रोज वही कांदा 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 दिखाता रहता, कहीं अलग जा कुछ अलग दिखा तब लोग देखेंगे भाई, क्या करें अब आप ही बताओ। हमें हर रोज खेत में आना पड़ता है तो फिर खेत का छोड़ के क्या दिखाए, अगर कहीं जाते हैं मुंबई वगैरह कुछ जाते घूमने के लिए तो वो वाला दिखाते, लेकिन दररोज यहाँ पर ही आना पड़ता है तो यही दिखाना पड़ता है। लेकिन जाएंगे भाई, अपना भी टाइम आएगा तब जाएंगे, बहुत घूमेंगे। लेकिन अब 1-2 महीने बर्दाश्त कर लो, फिर हम भी जाएंगे घूमेंगे इंजॉय करेंगे बाकी लोगों की तरह। 1-2 महीने सिर्फ बर्दाश्त कर लो बस।